हेलो दोस्तों, आज से हमारे द्वारा जो है वो करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और आज के वीडियो में हमने 15 मार्च 2017 के करंट अफेयर्स को कवर किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आज का ये जो वीडियो है, ये डेमो मात्र भी है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज को शुरू करने से पहले हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो वीडियो के एंड में जरूर दें, इसे देखने के बाद कि क्या ये जो तरीका डिस्कशन का है ये सही है, और अगर आप इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं वो भी बताएं। और जिस प्रकार आपके फीडबैक मुझे मिलेंगे, मैं उसी बेसिस पे ये वीडियो कंटिन्यू करूंगा या क्विट करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में नमामि ब्रह्मपुत्र नदी महोत्सव मनाया जाएगा? ठीक है, ये रहा आपका पहला प्रश्न, और इसका जो सही उत्तर है वो है असम। असम में जो है वो नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव जो है मनाया जाएगा। असम, जैसा कि आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। और अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं, तो ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट के लिए या उत्तर पूर्व राज्यों के लिए जो है वरदान के समान है, वरदान के समान मानी जाती है, कही जाती है। और ये जो है बहुत ही विशाल तट जो है क्षेत्र को कवर करती है, असम सहित और अन्य आसपास के राज्यों को भी ये कवर करती है, उन्हें समृद्ध बनाती है। अगर मैं बात करूं, ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है वो है ब्रह्मपुत्र के नदी के बीचों बीच स्थित तकरीबन 7 लाख वर्ग किलोमीटर एक सुंदर द्वीप है। ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत एक सुंदर द्वीप है, जिसमें आगामी 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक जो है 5 दिवसीय नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव मनाया जाएगा, और ये कहाँ है? असम में। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में, उद्गम के बारे में। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न है वो करंट के अलावा आपसे ट्रेडिशनल पार्ट से भी पूछा जा सकता है। तो हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश है कि आपके सामने अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न आए तो वो आपसे ना छूटे, ठीक है, गलत ना हो। तो बात करते हैं हम अगर ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में, तो इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के दक्षिण मानसरोवर के निकट एक चेमायुंग, ठीक है, चेमायुंग दंग नामक हिमवाह है, हिम का प्रवाह है, और वहां से ये उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो वो है 2700 किलोमीटर, और ये जो है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसको तिब्बत में सांपो, अरुणाचल में डीहम, असम में ब्रह्मपुत्र, इन सब नामों से विभिन्न विभिन्न जो जगह है वहां के लोग इसे इन नामों से पुकारते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में कि ये जो है ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई जो है वो गंगा की मूल शाखा यानी पद्मा के साथ हुए मिल जाती है, और ये जो है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में मिलकर विसर्जित करती है। अगर मैं इन ब्रह्मपुत्र की उपनदियों की बात करूं तो वो हैं सुवनश्री। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, और मुझे नहीं लगता कि अगर इसके अराउंड कोई क्वेश्चन आया करंट के अलावा भी तो आपसे गलत होगा। तो अगर मैं इसकी उपनदियों की बात करूं तो वो हैं सुवनश्री, तिस्ता, तोरसा, लोहित, बराक, जो कि ब्रह्मपुत्र की जो है उपनदियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि नवीनतम आईसीसी ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष पर कौन खिलाड़ी है? फिर से प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूं कि नवीनतम आईसीसी ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर कौन खिलाड़ी है, और इसका जो सही उत्तर है वो है रविचंद्रन अश्विन, और ये है रविचंद्रन, ठीक है, यह रविचंद्रन अश्विन, अरे सही कर लें, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा करंट आपको थोड़ा बहुत ऐसे, और बहुत सारे लोगों को स्पेशली क्रिकेट से तो अच्छी नॉलेज होती है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली हैं, उनकी आईसीसी जो कि 13 मार्च 2016 को एक इनकी रिपोर्ट आई थी, नवीनतम टेस्ट रैंकिंग रिपोर्ट, ठीक है, उसमें बल्लेबाजों की श्रेणी में वो एक स्थान नीचे यानी कि चौथे स्थान पर हैं। ठीक है, और अगर हम रविचंद्रन अश्विन की बात करें तो वो ऑलराउंडरों की सूची में, गेंदबाजों की जो ऑलराउंडरों की सूची है उसमें जो है ये शीर्ष स्थान पर हैं। आगे बढ़ते हैं,
किस देश की संसद ने ब्रेक्जिट बिल के लिए जो है वो अंतिम स्वीकृति दे दी है? और इसका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। ठीक है, क्या है? ब्रिटेन। आपने बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में ये शब्द सुना होगा, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट। ठीक है, तो ब्रेक्जिट का जो अर्थ है वो ब्रिटेन का जो है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना, जिसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं, यानी वो उससे अलग होना चाहता है। अगर हम थोड़ी ऐतिहासिक, थोड़ी हिस्ट्री में जाएं इसकी, तो 24 जून को, ठीक है, इसी 24 2016, 24 जून को जो है वो एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें ब्रिटेन वासियों ने यूरोपीय संघ से पूरी तरीके से अलग होने की बात की। ठीक है, और क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत सारे यूरोपीय संघ के बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनसे वो तंग आ चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो फोर्सफुली उन्हें मानना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक जनमत संग्रह किया और जनमत संग्रह में उन्होंने ब्रेक्जिट की बात की। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 51.9% जो हैं वो ये चाहते हैं कि ब्रिटेन एग्जिट कर जाए यूरोपियन यूनियन से, जबकि हम ना एग्जिट करने वाले या यूरोपियन यूनियन के साथ रहने वाले लोगों का आंकड़ा देखें तो वो है 48.1%। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। और जैसा कि अभी मैं करंट की बात करूँ, तो अभी जो है आर्टिकल 50 लिस्बॉन ट्रीटी है, जिसके थ्रू जो है वो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन में वो शामिल हुआ था, उस ट्रीटी को उसने साइन किया था, और उसके आर्टिकल 50 में ये लिखा गया है कि आप एग्जिट कैसे हो सकते हो, और ब्रिटेन की सीनेट द्वारा ये पारित कर दिया गया है अभी अंतिम तौर पे। तो ये रहा करंट तक जो ये है ब्रिटेन एग्जिट या ब्रेक्जिट बिल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में इबोबी सिंह ने जो है वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? ठीक है, और ये भी करंट का न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मणिपुर। ठीक है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, जैसा आपको पता है, बहुत लोगों को पता होगा, इसमें कुछ बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और इबोबी सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मणिपुर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने जो ये इस्तीफा दिया वो 13 मार्च 2017 को, ठीक है, दे दिया। और जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर की जो राज्यपाल है उनका नाम नजमा हेपतुल्ला है, ठीक है, और उन्होंने ये बात कही थी कि अगर जब तक जो है इबोबी सिंह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जो है वो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने दक्षिण चीन सागर के लिए सबसे बड़े युद्धपोत भेजने की तैयारी बनाई है? ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वो है जापान। जापान ने जो है वो मई के महीने में जो है दक्षिण चीन सागर में सबसे बड़ा जो अपना युद्धपोत है वो भेजने की योजना बना रहा है, वो मई के महीने से ही वो बना रहा है, मई 2016 से। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इस क्षेत्र में जापान का सबसे बड़ा जो है ये नौसैनिक बल प्रदर्शन है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि था 15 मार्च 2017 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक में ज़रूर बताएं, आपके फीडबैक के बेसिस पे ही हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।